फूक तो मार पहले इसमें, फूक मारो जोर से, फूक मारो, काटो थोड़ा सा, खिला दे इसको, आगे खिला दे, आगे मुंह है इसका, नीचे लगा दे मुंह पे बस, अरे कैमरे पे नहीं लगा ना, हाँ यहाँ बस। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए बेहद ही शुभ हो ये दीपावली, खुशियां लेकर आए बहुत सारी आप लोगों के परिवार में, और आप लोग खुश रहें सदा। स्वागत है आपका मेरा इस व्लॉग में। आज का ये व्लॉग काफी स्पेशल है हमारे लिए, दो तीन चीजें हैं। देखो, एक तो यार दीपावली का त्योहार है, और दो साल बाद इस दीपावली के त्योहार को मनाने के लिए, मतलब इतने धूमधाम से मनाने का मौका आया है। लॉकडाउन लग गया था, कोरोना था, हर तरफ दुख था, और इस बार खुशियां लोग मना रहे हैं गमों को भूलकर। दूसरा, इंडिया जीत गई भाई, पाकिस्तान को धो दिया, बाप बाप होता है आखिरकार, तो क्या रोमांचक मैच था। और तीसरा ये कि आज हमारी इस आलू गाजर का पहला बर्थडे है, यानी कि पिछले साल 24 अक्टूबर को हमने इसको खरीदा था। तो आज दीपावली के इस पावन मौके पर सुबह सुबह निकल पड़ा हूं मैं, सुबह 4 बज रहे हैं लगभग, और मंडी जा रहा हूं फ्लावर्स लेने। अपनी इस आलू गाजर यानी कि अलकजार को भी सजाएंगे, अपने घर को भी सजाएंगे, और आगे दिखाएंगे आज क्या क्या करते हैं हम, किस तरह से अपनी इस गाड़ी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यार बच्चे बोले कि पापा सेलिब्रेट करना है, आज बर्थडे है हमारी गाड़ी का, तो चलो भाई सेलिब्रेट कर देते हैं। यार मेरा खुद का तो इतना मन होता नहीं है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का, लेकिन बच्चे बोल रहे तो भाई उनके लिए तो करना पड़ेगा। बच्चे छोटे छोटे बच्चों की ना छोटी छोटी ये खुशियां होती हैं, इन्हीं में खुशियां मिलती हैं सभी को। और मैं भी यही कहूंगा आप लोगों से कि आप भी अपने जीवन की छोटे छोटे जो किस्से हैं, छोटी छोटी जो कहानियां, उनमें भी खुशियां ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो खुश रहिए। अभी आगे चलते हैं यार, और वीडियो दिखाते हैं, जरा फ्लावर खरीदेंगे, वहां की वीडियो बनाता हूं, दिखाता हूं मैं आपको मंडी की, और उसके बाद फिर हम आके अपनी गाड़ी को धोएंगे। यार आज आखिरकार बर्थडे है बिचारी का, तो नहला देंगे इसको, इसकी केक भी लाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं, आगे आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। लो जी, मंडी की तरफ हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ देखते हैं यार फूल क्या भाव मिलते हैं। पिछली बार जब आया था तो भीड़ तो नहीं थी सुबह सुबह इतनी, लेकिन महंगे बहुत थे भाई। तो अभी देखते हैं गुरुग्राम की सब्जी मंडी में, और यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं उनके क्या रेट हैं। यार एटीएम नहीं मिला मेरे को कहीं पे ना, पता नहीं यार ये लोग वो क्या बोलते हैं उसको, उससे लेंगे नहीं लेंगे पैसे यूपीआई से। अच्छा एक सामने दिख रहा है एटीएम, वहाँ से निकालते हैं पैसे। दरअसल कैश पेमेंट, मतलब कैश मेरे पास होता नहीं ना, अब जब से नोटबंदी हुई तब से मैं अपना उसके माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उसके माध्यम से ही करता हूँ। ये रहे दो एटीएम, यहाँ से निकालते हैं पैसे। मंडी आ तो गए, अरे भाई रुकिए रे, पते छाती पे चढ़ाए ला हुआ है टम्पू ने भी। फ्लावर देखते हैं, वो थी मालाएं फूलों के, वो रखे होंगे ना क्या बोलते हैं, पूरे कट्टे के कट्टे पल्ली बांध कर रखी होगी, उनसे लेते हैं। देखो इधर तो है भीड़ सी, भीड़ इधर भी है। ये रहे फ्लावर वाले, उस साइड देखते हैं, इस साइड होंगे फ्लावर्स, वहाँ से लेते हैं। गेंदा के फूल है ना, वो लेते हैं, पूछते हैं क्या रेट है। अब गया तो मंडी था फूल लेने, लेकिन सुबह सुबह अब आना पड़ गया स्टोरी पे। हालांकि फूल तो मैंने ले लिए, लेकिन स्टोरी भी यार एक गजब है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अब गुड़गांव पुलिस ने, गुरुग्राम पुलिस ने कूड़ा उठाने का भी ठेका ले लिया है। मतलब पहले ये जो गड्ढे होते हैं सड़कों पे, पहले उनका ठेका लिया गड्ढे भरने का गुड़गांव पुलिस ने। उसके बाद जब बारिश हुई, मॉनसून आया, तो उस दौरान इन्होंने पानी निकालने का ठेका लिया, और अब तो इनने गुरुग्राम में ठेका ले लिया सफाई का। वो मैं बताऊँ क्यों, स्टोरी तो खैर मेरी गुरुग्राम न्यूज़ पर आप लोग देख लेना पूरी, लेकिन एक इनिशियल दिखा दूँ कि
पिछले पांच छह दिनों से ना सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है पूरे हरियाणा में। तो हड़ताल की वजह से जगह जगह कूड़ा फैल गया है और अब इतनी बदमाशी करने लगे हैं सफाई कर्मचारी कि सड़कों पे कूड़ा फेंकते हैं। और ये अग्रवाल धर्मशाला चौक है, सड़कों पे कूड़ा फेंक रखा है और पुलिस अब इस कूड़े को उठवा रही है। मतलब जो काम सिविक बॉडीज का होना चाहिए वो पुलिस करवा रही है। तो भाई दिवाली तो इनकी भी मननी चाहिए, लेकिन ये बेचारे यहाँ कूड़ा उठवा रहे हैं, सबकी सुरक्षा भी करते हैं और साथ में मतलब इतनी हालत कर दी है यार। क्या काम है यार नगर निगम का, GMDA का, DC जिला प्रशासन का, क्या मतलब सब कुछ डुबो के रख दिया है गुड़गांव को, इतना बुरा हाल कर दिया है। अब यहाँ बताओ, यहाँ उनको उठाना चाहिए कूड़ा या पुलिस को लगाओगे? सुबह 3 बजे से पुलिस लग गई यार, बताओ। चलो स्टोरी तो मैंने कवर कर ली, पूरी स्टोरी देखना मेरी आप गुरुग्राम न्यूज़ पे जाके देख लो, गुरुग्राम न्यूज़ नेटवर्क, और वहाँ पूरी स्टोरी मिलेगी। अब चलते हैं घर, भाई तैयारी करनी है। देखो फूल लेके आया हूँ यार, ये रहे फूल पीछे हमारी रानी में, और आज इन फूलों से इसको सजाएंगे। तो भाई ये है हमारी आलू गाजर, ईशिका बोलती है इसको आलू गाजर। अब इसको धोएंगे, देखो कितनी गंदी हो रही है, आज इसका बर्थडे है, धूल मिट्टी हो रही है इस पे सारी पे, तो इसको आज शैम्पू से नहलाते हैं, ठीक है ना मयंक? शैम्पू से नहलाएगा ना, फिर बर्थडे मनाएगा इसका। कैसे मनाएगा बर्थडे? अरे वो हैप्पी बर्थडे का वो तो लाओ, इस पे आगे वो लगाएंगे इसका, है ना? तो इसको धोते हैं भाई, अब चलो। अरे भूल गई, मैं थोड़ा सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है गुड़गांव में। तो भाई हमारा सफाई कर्मी पिछले 3 दिनों से ना आ रहा, इसलिए खुद ही साफ करनी पड़ रही है। मैं तो गाइस देखो मेरी इस वाली उंगली में कागज घुस गया था सुई की, मैं सुई से, तो पापा ने रात को निकाला, मैं बहुत मेहनत पूरा व्लॉग ऐसे थोड़ी बनाना है। बहुत बढ़िया, देखिए पूरी सफेद हो गई हमारी आलू गाजर। भाई हमने अपनी गाड़ी नहला दी है, अब हम खुद नहा के आएंगे और फिर इसको फूल माला पहनाएंगे और फिर इसका केक काटेंगे हम, फिर इसका बर्थडे मनाएंगे हम। नहीं रात को ना। अरे रात को क्यों मनाएंगे, दिन में मनाएंगे, दिन में लाए थे ना भाई, शाम को लाए थे हम तो। हाँ तो शाम को लाए थे, अब दिन में मना लेंगे बर्थडे, फिर ऑफिस भी तो जाना है मुझे, काम भी तो करना है, ठीक है ना? तो चलो इसके लिए पहले फूल माला बनाओ, जो फूल लेके आया हूँ, और फिर इसको फूल माला बनाएंगे। क्यों नहीं बनाओगे? केक नहीं खाएगी? अब पापा फूल माला नहीं बनाऊंगा। चल फूल माला सुई के साथ मेरे साथ, चलो ठीक है, बड़ी सुई से ध्यान होता है हमारा। फूल माला बना रहे हैं अभी, इसका बर्थडे बनाएंगे हम, केक भी दिखाएंगे क्या लिखवाया केक पे। मेहनत लो डियर, दोनों मैचिंग मैचिंग गाड़ी से, मैचिंग कपड़े पहने। खड़े हो जाओ। तो भाई आज पहला बर्थडे हम मना रहे हैं, ठीक है? केक कौन काटेगा? इसी का काटेगी? नहीं, गाड़ी मेरी, मेरे कार्ड में होती है ना,
गाड़ी का नाम तो बता। गाड़ी का नाम क्या है? आलू बाजार। नजदीक आना भाई जरा, ऐसे जूम ना करो पिक्सल पड़ जाएंगे इसका। देख के ये केक का नाम रखा हुआ है। मैंने निकाला। केक का नहीं, गाड़ी का नाम रखा हुआ है। गाड़ी का नाम, इसका नाम है अलकाजार गाड़ी है और नाम रख दिया आलू का। चलो भूख मारो अब, नदी वाले भाई। हाँ हम भी आ गए, बाबा भी यहीं, सब यहीं है। काटो, बाबा को बुला ले। बाबा आ गए यहीं से, ले हाथ लगा। भूख तो मार पहले इसमें। भूख मारो, जोर से भूख मारो। काटो थोड़ा सा, खिला दे इसको, आगे खिला दे, आगे मुंह है इसका, नीचे लगा दे मुंह पे बस। अरे कैमरे पे नहीं लगाना। हाँ यहाँ बस बस खिला दिया अब इसको केक। अरे खुद ही खा गई। अरे इनको डाल के देने रहा तो करो। पहला साल, एक साल हो गया इसको ना, एक साल की होगी अभी, ये बच्ची है ना अभी, तो इसको गिफ्ट क्या देगी ये तो बता है भाई। अरे गिफ्ट सो तो रहा है, गिफ्ट क्या देगी ये तो बता। मैं क्या क्या दे? चलो केक तो खिला दो फिर सबको। आज दिवाली भी। ये भाई कैमरामैन था शुरू की वीडियो, इसने बनाई है। हाय हाय, ये पड़ोसी है हमारा। कैमरामैन बना दियो। कैमरामैन इसी ने चलाया कैमरा शुरू का। आज एक साल हो गई हमारी गाड़ी को। पिछले साल करवा चौथ था ना, आज के दिन पिछले साल करवा चौथ था और आज के दिन दिवाली है। देखो कितना शुभ मुहूर्त है ना। ये मम्मी के लिए हमने केक काटा, वरना हम काटते भी नहीं, क्योंकि मेरे बर्थडे पे मम्मी का बर्थडे था नहीं खाने। ये मेरे लिए गिफ्ट आया था पिछले करवा चौथ। हाँ। मतलब पैसे हमारे खर्च हुए 24 लाख, गिफ्ट इनके आए, केक ये ना खावे, खर्चा तो हमने करना है भाई। अब इस चीज के जरिए केवल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि छोटी छोटी जो चीजें हैं ना आपके घर की, उनमें खुशियां ढूंढो, खुश रहो। ये जैसे ये है ना, ये बेटो हमारी ये खुश रहती है, ये ऐसे खुश रहो, ठीक है ना। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली, हिंदी में बोलिए शुभ दीपावली, है ना। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अब चैनल के बारे में तो बोलो, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बोल जल्दी बोलो फटाफट, वीडियो खत्म करनी। अरे जल्दी बोलो, खत्म करनी, बोलो ना। अच्छा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलो। ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। और अपना ख्याल रखें, ठीक है। और पटाखे जलाए, ग्रीन पटाखे चलाए। चलो ठीक है भाई, ये कह रही है ग्रीन पटाखे चलाए, तो ग्रीन पटाखे चलाओ, और बाकी जिसकी जो मर्जी है वो करेगा। बाय।